दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो मोटेरा में बना है वो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज मोदी जी का दम और अहंकार इतना भर चुका है, इतना बड़ा उनका मेगालोमेनिया हो चुका है कि उन्होंने सरदार पटेल के नाम को हटा के अपना नाम वहां पर अंकित कर लिया। अब वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। आजादी के महानायकों को आपस में लड़ाने का आपने कुत्सित कोशिश तो करी, आपने सरदार पटेल की विरासत को हथियाने की भी कोशिश करी, लेकिन सच तो यह है कि सरदार पटेल वही है जिन्होंने आरएसएस को देश विरोधी गतिविधियों के लिए बैन किया था, और उन्हीं सरदार पटेल का नाम हटाकर अपना नाम अंकित करना निंदनीय है, आजादी के महानायकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। लेकिन आप ये समझिएगा नहीं, क्योंकि आप तो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल ही नहीं थे, आपके लोग तो मुखबिरी और माफीनामा लिखते थे। सच तो ये है कि आपका दम और अहंकार आज इतना बढ़ चुका है कि शायद अगली बार आप महात्मा गांधी को हटा के नोटों पर अपना चेहरा लगा दें, हो सकता है आप क्रिकेट स्टेडियम अंबानी और अडानी के नाम पर लगा दें। एक बात आपको और याद दिला दूं, भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट होने का प्रपोजल कितने ही सालों से पड़ा है, लेकिन आप ही के खट्टर जी और आप लोग उसको भगत सिंह के नाम पर होने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ी शर्म करिए, अगर थोड़ी सी शर्म बाकी है तो अपना नाम वापस लीजिए। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। सरदार पटेल वो थे जिन्होंने इस देश को पिरोया, एक सूत्र में पिरोया। आप तो सिर्फ नफरत और गंदगी फैलाना जानते हैं।